Hello everyone, welcome to our channel Games Pond. Myself Pradeep Patil. दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन. दोस्तों ये जो रिएक्शन है CSIR नेट और गेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और IIT जाम का जो एग्ज़ाम है उसमें भी लास्ट ईयर बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था. इवन 2018 का जो गेट एग्ज़ाम था उसमें भी मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस का जो ऑर्गेनिक रिएक्शन था उसमें फर्स्ट स्टेप जो है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन था. तो चलते हैं देखते हैं बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन क्या होता है. बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन दोस्तों कीटोन या फिर साइक्लिक कीटोन होता है, वो पैरासिट के साथ में रिएक्शन होने के बाद में एस्टर या लैक्टोन सिंथेसिस का जो रिएक्शन है उसको बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन कहते हैं. दोस्तों इसमें बेसिकली रीअरेंजमेंट होता है, वो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से. तो चलते हैं दोस्तों आगे चलते हैं. विलेजर ऑक्सीडेशन होने के लिए तीन पॉसिबिलिटीज़ है. पर एसिड जो है सिलेक्टिवली इपॉक्सीडाइज होता है डबल बॉन्ड के साथ में अल्किन के साथ में, या फिर पर एसिड जो है सिलेक्टिवली बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन कैरिड आउट करता है. अगर अल्किन नहीं है, कीटोन है मॉलिक्यूल्स में, तो आपका बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन होगा. या अल्किन भी प्रेजेंट है और कीटोन भी प्रेजेंट है एक ही मॉइटी में, तो रिएक्शन किस सेंटर पे जाएगा वो कह नहीं सकते. तो इसमें जो है डिफ़िकल्टी क्या है कि किस पे ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन इपॉक्साइड फॉर्म करे या कीटोन के साथ में रिएक्शन करके एस्टर या इलेक्ट्रॉन फॉर्म करे. तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है कीटोन का वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, और न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो होता है अल्किन का उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको आगे के रिएक्शन में समझाता हूँ. सो मैकेनिज्म फॉर द बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, इन फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस, इन सेकंड स्टेप द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट पर एसिड अटैक्स ऑन द डेफिशिएंट कार्बन सीधीस, इन थर्ड स्टेप रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, एंड इन फाइनल स्टेप वी आर गेटिंग द फाइनल प्रोडक्ट लैक्टोन और एस्टर. गॉट इट फ्रेंड्स? सो दोस्तों यहाँ पे कीटोन है, ये पर एसिड है, उसके साथ में ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और फाइनली आपको एस्टर मिलेगा. अभी इस रिएक्शन में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसा रहेगा? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, वो पहले माइग्रेट करेगी. ठीक है, तो यही एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का सिंपल फंडा है. दोस्तों बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन जो है ये डोपामाइन सिंथेसिस में भी यूज़ करते हैं. अभी ये रिएक्शन लेते हैं, इसमें फर्स्ट फ्रेडलक्राफ्ट ऑसिलेशन के साथ में हमें जो डिज़ायर प्रोडक्ट मिलेगा, देन HCl2NaOH के साथ में हमें बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा, देन फाइनली उसको हाइड्रोलाइज करके हमें डोपामाइन मिलेगा. ठीक है दोस्तों, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन जो है अभी अगर सिंपली अल्किन के साथ में अगर पर एसिड रिएक्ट करे तो क्या फॉर्म होगा? इपॉक्साइड. सही, इपॉक्साइड फॉर्म होगा. अगर एक ही मॉइटी में आपका कीटोन भी है अल्किन भी है, तो रिएक्शन सेंटर जो है कौन सा रहेगा वो डिपेंड करता है टोटली मॉइटी के ऊपर. अभी यही केस ले लीजिए, इसमें जो है डबल बॉन्ड भी है कीटोन भी है, मगर लैक्टोन सिंथेसिस हो रहा है, तो इसमें क्या स्टेरिकली हिंडर्ड आपका अल्किन ग्रुप है और टर्शरी ग्रुप जो है माइग्रेट करेगा, सो ऑक्सीडेशन जो है इस साइड में हो रहा है. ठीक है दोस्तों, स्मॉल रिंग कीटोन्स विल रेडिली अंडरगोज द बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन. रिंग स्ट्रेंथ की वजह से जो 4-member 3-member रिंग जो होती है कीटोन होते हैं वो रेडिली बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन फास्ट करते हैं. ठीक है दोस्तों, तो रेडिली रिएक्शन करने के बाद में लैक्टोन फॉर्म करते हैं.
यहाँ पे अभी स्टेरियो केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर स्टेरियो केमिस्ट्री दिया हुआ है, कीटोन दिया हुआ है आपको, और पैरासिड के साथ में बेयरविली जो ऑक्सीडेशन उसका रिएक्शन है, तो रिएक्शन कैसा रहेगा? तो स्टार्टिंग मटेरियल का रिएक्शन में जो कॉन्फिग्रेशन है वो सेम फाइनल प्रोडक्ट में एज इट इज़ रिटेन रहेगा। ध्यान रखना है दोस्तों, स्टेरियो केमिस्ट्री अगर बेयरविली ऑक्सीडेशन में अगर पूछते हैं तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि स्टार्टिंग मटेरियल में और फाइनल प्रोडक्ट में स्टेरियो केमिस्ट्री सेम रहेगा। सी दिस अनदर एग्जांपल ऑफ द स्टेरियो केमिस्ट्री। देन इंट्रा मॉलिकुलर बेयरविली ऑक्सीडेशन भी होता है, सी दिस रिएक्शन। इसमें कौन सा बॉन्ड माइग्रेट हो रहा है दोस्तों? जो रेड कलर बॉन्ड मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है वो माइग्रेट हो रहा है और रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रैक्टिस एग्जांपल फॉर यू, यहाँ पे बेयरविली ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल इज सिंथेसिस ऑफ जोया पेटानॉल, गॉट इट फ्रेंड्स? फर्स्ट स्टेप में MCPBA यूज़ करके आपका बेयरविली जो ऑक्सीडेशन स्टेप है, ठीक है दोस्तों। अभी गेट 18 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है आपने सॉल्यूशंस में देखा होगा, मगर मैं बोल देता हूँ फिर से कि पहला स्टेप जो है इसका बेयरविली जो ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट स्टेप में आपको आयोडोलेक्ट्रोनाइजेशन का रिएक्शन है और आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। इसका आंसर ए आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत सारा वीडियोस अभी आगे लेके आने वाला हूँ, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो रिएजेंट्स रहेगा उसके ऊपर भी मुझे बहुत सारा वीडियो बनाना है। देन जो भी एग्जांपल्स सॉल्व करना है CSIR, नेट, गेट और IIT एग्जाम का, मैं क्वेश्चन और आंसर का सीरीज़ अभी लेके आने वाला हूँ, तो